साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो सीरीज चल रही है उसमें हम साइंस के जो विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हम एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हमने दो वीडियो डिस्कस किए हुए हैं एंड आई होप कि आपने वो वीडियो देखे होंगे एंड उनसे आपको कुछ हेल्प लगी होगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चंस केवल आपके डीएलएड के लिए नहीं है, आप अगर टीईटी का एग्जाम दोगे, सुपर टीईटी का एग्जाम दोगे, सेंट्रल टीईटी का दोगे, तो सब कहीं आपके एग्जाम में आएगा। प्लस अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कम्पिटेटिव एग्जाम में भी अब तो साइंस का जो वेटेज है वो बढ़ने लगा है, सो उस हिसाब से भी अगर आप इसको करोगे तो आप रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कर सकते हो। ओके, सो आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आज हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाते नहीं, पूछे गए हैं। तो देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा धारिता का मात्रक को आपको बताना है। ऊष्मा धारिता को हम इंग्लिश में हीट कैपेसिटी कहते हैं। ओके, सो हीट कैपेसिटी का जो मात्रक है वो आपका कैलोरी प्रति सेकेंड है, सॉरी कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है आपका। ओके, हीट कैपेसिटी का जो मात्रक है वो आपका कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस है या उसी को सेंटीग्रेड, पहले सेल्सियस बोलते थे फिर सेंटीग्रेड कहते हैं। कंडुआ रोग कैसे लगता है? सो कंडुआ रोग है ये आपका गेहूं में लगता है, जो गेहूं है उसमें कंडुआ रोग लगता है। ओके, ये इस तरह के इंपॉर्टेंट आपके लिए कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इस वीडियो को। कंपटीशन में जब भी इसको एग्रीकल्चर जो कृषि है, भारतीय कृषि है, उसके सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विभिन्न रोग, विभिन्न फसलों में लगने वाले रोग जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली। ओके, सो जैसे कंडुआ रोग इसमें दिया हुआ है, सो कंडुआ रोग जो है वो गेहूं में लगता है। ओके, इसी तरह खैरा रोग है और भी कई सारे रोग हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब साइंस में आपका कृषि विज्ञान डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको। प्रतिजन निम्नलिखित में से निम्नलिखित रुधिर कणिकाओं की भित्ति पर चिपकी होती है। प्रतिजन जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, सो एंटीबॉडी जो है वो आपकी लाल रुधिर कणिकाएं हैं जिनको हम रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या आरबीसीज कहते हैं, उन पर चिपकी रहती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? देखिए ये दाब की डेफिनेशन आपको दी गई है, जिसको प्रेशर या दाब कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन यही है कि एकांक क्षेत्रफल, एकांक का मतलब एक अंक, एकांक क्षेत्रफल पर, ओके, यूनिट एरिया, एक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो अभिलंबवत बल या परपेंडिकुलर फोर्स को हम फोर्स कहते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर फोर्स को हम प्रेशर या दाब कहते हैं। ओके, और इसका जो मात्रक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसका जो एसआई सिस्टम में मात्रक है या जो इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट है इसका, जो इसका मात्रक है वो आपका पास्कल है, और एमकेएस सिस्टम में इसका मात्रक जो है वो आपका जूल, सॉरी एमकेएस सिस्टम में जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, एफ अपॉन ए, पी इक्वल्स एफ अपॉन ए होता है, जहाँ पे एकांक क्षेत्रफल आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ए एकांक क्षेत्रफल है और एफ जो है वो आपका फोर्स है, अभिलंबवत फोर्स है। चीनी उद्योग में गन्ने के रस से गन्ने के रस को रंगहीन करने में क्या प्रयुक्त होता है? जो चीनी शुगर इंडस्ट्री है, शुगर केन इंडस्ट्री है, उसमें गन्ने के जो रस होता है उसको रंगहीन करने के लिए जो जंतु चारकोल है उसका उपयोग किया जाता है। ओके, जो लोग चीनी मिलों में काम करते होंगे या जिनके घर के आसपास चीनी मिल होगी तो वो लोग जानते होंगे, अगर वो कभी विजिट किए हों किसी चीनी मिल को या गए हों देखने, तो उसमें चीनी उद्योग में जो गन्ने का रस है उसको रंगहीन, कलरलेस करने के लिए जंतु चारकोल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि घड़ों में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? देखिए आप देखे होंगे कि जो घड़ों का पानी होता है, जो घड़े हैं उनका जो पिचर जिसको हम कहते हैं, तो उसका पानी जो होता है वो ठंडा रहता है। तो क्यों ठंडा रहता है? सो वो वाष्पन की वजह से, जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है उसकी वजह से, उसके कारण जो है घड़ों का, जो घड़ों में रखा पानी वो ठंडा हो जाता है। ओके, एजुसेट क्या है? एजुसेट देखिए, जब हमने कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे उसमें हमने आपको बताया था कि ये एक एजुकेशनल सैटेलाइट है। ओके, जो इसरो ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था, एजुकेशनल सैटेलाइट जिसे को हम हिंदी में शैक्षिक उपग्रह कहते हैं या एजुसैट इसी को कहते हैं। ओके, एजुसैट जो है वो एजुकेशनल सैटेलाइट का शॉर्ट फॉर्म है। पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है, ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये आपका पिछले या दूसरे
पहले या दूसरे वीडियो में क्वेश्चन आप में आया था कि पत्ती में पाया जाने वाला जो रंध्र है वो पत्ती के निचले भाग में निचली सतह पर स्थित होता है। दाब अधिक कब होगा? देखिए ये क्वेश्चन भी है आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दाब अधिक कब होगा? देखिए P बराबर अभी हमने डिस्कस किया था कि दाब बराबर होता है बल बटे एकांक क्षेत्रफल। तो देखिए बल और जो क्षेत्रफल है इन दोनों के बीच में दाब अधिक कब होगा? देखिए देखिए बल और क्षेत्रफल और दाब इन तीनों का जो संबंध है, तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। ओके तो देखिए अब दाब और क्षेत्रफल में कैसा रिलेशन है? दाब और क्षेत्रफल में जो है व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन, व्युत्क्रमानुपाती है जिसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन या व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन का मतलब होता है कि अगर क्षेत्रफल को हम बढ़ा देंगे तो दाब जो है वो घट जाएगा। ओके और अगर दाब क्षेत्रफल को अगर घटा देंगे तो आपका दाब कम हो जाएगा। ओके तो देखिए जब हम दोनों पैरों पर खड़े होते हैं, जब हम दोनों पैरों पर खड़े होते हैं तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो ज्यादा होता है, इस वजह से दाब जो है वो कम लगता है। लेकिन जब हम एक पैर पे खड़े रहते हैं तो आपका क्षेत्रफल घट गया, जो क्षेत्रफल जब घटेगा तो दाब आपका बढ़ जाएगा। ओके यही कॉन्सेप्ट है आपसे, जब भी कभी पूछेगा तो आप पी बराबर एफ अपॉन ए कॉन्सेप्ट लगा देना, केवल आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना बस, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घट जाएगा, क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ जाएगा। निम्न में से निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता, ये भी देखिए आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए क्वेश्चन रिपीट होने लगे ना, जो क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए थे जो किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए थे किसी सन में, वो देखिए अब यहाँ पे रिपीट होने लगे हैं। सो किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? तो जो नमक है, जो सोडियम क्लोराइड है, उसमें आपका सॉल्ट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है लाइट से प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन है, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का मतलब है कॉनकेव लेंस के, कॉनकेव मिरर के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखा होता तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखिए अवतल दर्पण आपको पता है, कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव मिरर है ये आपको पता है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, जिसको हम वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच के मध्य रखी हुई वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ओके ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल प्योर कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, हम डिस्कस करेंगे आज, चूंकि वीडियो फिर लेंदी हो जाएगा, लेकिन हम कभी जब लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कौन सी सिचुएशन देखिए होती है, दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, वो वक्रता की त्रिज्या या वक्रता केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी कितनी है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है या वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के पास में रखा है, बाहर रखा है, दूर रखा है, ये तीनों कंडीशन होती है इसमें। ओके इन्हीं कंडीशन से ही बनता है कि जो आपका इमेज बन रहा है या जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा या वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा वास्तविक या वस्तु से छोटा बनेगा। ओके सो उसकी जो पोजीशन है, जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है और मुख्य फोकस है, उसकी दर्पण से जो दूरियां हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, और उसकी स्थिति भी कि कहाँ पे रखा हुआ है उससे डिसाइड होता है कि वो इमेज जो उसकी बनेगी वो कैसी बनेगी। ओके सो यहाँ पे चूंकि अवतल दर्पण के कह रहा हूं मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई वस्तु है, सो इस वजह से उसका प्रतिबिंब जो है वो रिवर्स रियल और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके हरित लवक रहित पौधों का समूह को क्या कहते हैं? जो हरित लवक रहित पौधे के समूह है उनको हम कवक कहते हैं। ओके किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा पर सेकंड किए गए जो कंपन है या जिसको हम कहते हैं कंपन वाइब्रेशंस, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसका मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। ओके वायु दाब आरोपित करती है, देखिए वायु जो है वो दाब को चारों दिशाओं में आरोपित करती है, ना केवल एक दिशा में या दो दिशाओं में, वायु जो है वो दाब चारों दिशाओं में आरोपित करती है। ओके तो यहाँ पे सा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नवत में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप कौन से हैं? तो देखिए जो अक्रिस्टलीय
नॉन क्रिस्टलाइन कार्बन के अपर रूप आपसे पूछ रहा है, तो इसमें सुगर चारकोल जो है वो, ओके। बाकी आपके ग्रेफाइट है, हीरा है, फ्लोरीन है, ये आपके क्रिस्टली कार्बन के अपर रूप है। नेक्स्ट कह रहा अनुप्रस्थ तरंगों, जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं उनमें दो सुरंगों के बीच की दूरी होती है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी जो होती है उसको हम तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ कहते हैं, और दो गर्तों के बीच की दूरी जो होती है उसको हम आयाम कहते हैं, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुप्रस्थ तरंगों के दो सुरंगों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्ध्य और आयामों के बीच की दूरी के जो गर्तों के बीच की दूरी होती है उसको हम आयाम कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल जो होता है वो कैसा होता है, या उसकी रेंज बताना है आपको। जो डॉक्टर्स जो मेडिकल की फील्ड में जो थर्मामीटर्स यूज होते हैं उसका जो स्केल होता है वो 95 फॉरेनहाइट से 110 डिग्री फॉरेनहाइट तक होता है, 95 से 110 फॉरेनहाइट। पेचिस या जिसको हम एम्बायोसिस कहते हैं नामक बीमारी में निम्नवत में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है। सो जो एम्बायोसिस है या पेचिस है उसके लिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये उत्तरदायी होता है। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार, तो देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, ओके। ये शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन ही था जब हमने वीडियो को डिस्कस स्टार्ट किया था, पहले पार्ट में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें पहला दूसरा वीडियो क्वेश्चन ही था, ओके, कि उत्प्लावन बल जब बराबर हो जाएगा वस्तु के भार के तो वस्तु सतह पर तैरती रहेगी, ना तो उसमें डूबेगी ना पूर्णतया डूबेगी ना आंशिक रूप से डूबेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस को इंग्लिश में हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। सो उत्तल लेंस जो होता है वो समान मोटाई तथा वक्र तल के वक्रता होता है, उसकी जो मोटाई होती है उत्तल लेंस की वो समान होती है, ओके। और जो वक्र तल, इसका जो तल होता है, जो सरफेस होती है उसकी, वो हल्का सा सर्कुलर होती है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा सर्कुलर होती है। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, जो कॉनकेव लेंस है उसके द्वारा किसी वस्तु का जो इमेज है वो आभासी, सीधा और छोटा बनता है, ओके। आभासी बनेगा, सीधा होगा, लेकिन वस्तु से छोटा होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी बताया था कि लाइट वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो एक्सपेरिमेंट से या उसको आपको बोर्ड पर करवा देंगे, उससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। दो पारदर्शक माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होने पर अपवर्तन कोण क्या होगा। देखिए, दो पारदर्शक माध्यमों का अलग अलग पृष्ठ वाले प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित हो रही है, जो कि 90 डिग्री पे आपतित हो रही है, सो उस पर जो अपवर्तन कोण होगा वो आपका 0 डिग्री होगा, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि हर्ट्ज जो है वो मात्रक है, सो हर्ट्ज हमने अभी पहले भी डिस्कस किया, हर्ट्ज जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का मात्रक होता है। तरंग की चाल, आवृत्ति एवं तरंगदैर्ध्य में कैसा संबंध होता है। तरंग की चाल मींस वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में संबंध होता है v=n λ। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल तक, अगर आप हाई स्कूल तो ऑब्वियसली आपने साइंस पढ़ी ही होगी, तो उसी में आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि तरंग की चाल v, उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा और उसकी जो आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी n, उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, या n बराबर v इंटू लैम्डा, सॉरी v बराबर n इंटू लैम्डा होता है, ओके। याद रखिएगा, इसमें कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, अगर पेपर को थोड़ा सा कठिन करना होगा तो आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेंगे इससे रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि वायु में ध्वनि की तरंगे होती हैं, वायु में ध्वनि की तरंगे कैसी होती हैं। वायु में जो ध्वनि की तरंगे होती है वो केवल और केवल अनुदैर्ध्य होती है, केवल अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों, सो केवल वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण दोलन कैसे करते हैं, जो अनुप्रस्थ तरंगों में जो माध्यम के कण हैं वो आपके लंबवत 90 डिग्री पे
जो उसके ऑसिलेशंस हैं, जो उसके ऑसिलेशंस हैं वो आपके 90 डिग्रीज पे करते हैं, इसको हम ट्रांसवर्स मूवमेंट कहते हैं, या ट्रांसवर्स जो वेव्स हैं उसमें आपका जो तरंगों की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। ओके, ऑसिलेशंस जो होते हैं 90 डिग्रीज पे होते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो केवल और केवल ठोस में उत्पन्न की जाती है, केवल और केवल सॉलिड्स में। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, अनुप्रस्थ तरंगे केवल और केवल सॉलिड्स में ही क्रिएट की जा सकती है। निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। देखिए एसिटिलीन जो है उसका रासायनिक सूत्र होता है C2H2। ओके, सो ये आपके कुछ और क्वेश्चन हुए विज्ञान से रिलेटेड। ओके, और इसके बाद हम एक वीडियो और डिस्कस करेंगे जिसमें और आपके एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चन है, उसके बाद आपका जो विज्ञान के इंपॉर्टेंट MCQs है वो एंड हो जाएंगे। ओके, एंड आई होप कि उससे आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, कुछ आपको लाभ मिलेगा। अगर आप रिवाइज कर लोगे एक बार तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे कभी तो आप उसको अच्छे से कर लोगे। ओके, थैंक यू।